करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। अरे अस्पताल ले जाओ। हम ठीक है। ठीक कहा है? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। अल्लाह जब भी बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टरों की गिनती की जाती है तो उनमें मनोज बाजपेयी का नाम हमेशा शामिल होता है। फिल्म जगत में शानदार एक्टिंग करके लोगों के दिलों पर राज करने वाले मनोज बाजपेयी का आज जन्मदिन है। एक्टर का जन्म 23 अप्रैल 1969 में हुआ था। मनोज बाजपेयी ने अपनी ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाया है, जिसे फैंस ने काफी पसंद भी किया। एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपनी एक्टिंग से अपने लिए इस तरीके का मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंच पाना हर किसी के लिए आसान बात नहीं है। चाहे फिल्मों की बात करें या फिर वेब सीरीज की, मनोज बाजपेयी हर चीज में अपनी एक्टिंग की खूबसूरती बिखेर ही देते हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन पर हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ 10 अनकहे किस्सों के बारे में, जो कि आप शायद ही पहले कभी जानते होंगे। मनोज बाजपेयी को जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 बार कोशिश करने पर भी एडमिशन नहीं मिला तो वो पूरी तरह से टूट गए थे। वो इस दौरान इतने कमजोर पड़ गए थे कि उन्हें आत्महत्या तक का ख्याल आने लगा था, क्योंकि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। एक वक्त ऐसा भी था जब मनोज बाजपेयी दिल्ली में पढ़ाई करा करते थे, तब उन्हें अपने पिता से महीने के केवल 200 रुपए ही मिला करते थे और उन्हीं पैसों से उन्हें अपना पूरा महीना काटना पड़ता था। अब में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि बैरी जो मनोज बाजपेयी के एक्टिंग कोच है। एक्टर ने अपने दोस्त के कहने पर उनकी वर्कशॉप अटेंड की थी और वहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मनोज बाजपेयी को राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से पहचान हासिल हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। गुरु नान दो उपाधिदार भाव कलेक्शन जिताया कौन जी कुमात्रे। पिंजरा फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद कैटरीना ने उनके पैर तक छुए थे। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी एक्टिंग नहीं देखी है। मनोज बाजपेयी ने साल 2006 में एक्ट्रेस नेहा से शादी की थी, जिनका पहला नाम शबाना राज हुआ करता था, लेकिन ये मनोज बाजपेयी की दूसरी शादी है। पहली शादी उनकी तब टूटी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। स्कूल के दिनों में मनोज बाजपेयी काफी शर्मीले हुआ करते थे, इसलिए स्कूल टीचर ने उन्हें पूरी क्लास के सामने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाने के लिए कहा था। क्या आपको पता है कि मनोज बाजपेयी जब भी मेकअप करवाते हैं तो अपना चेहरा शीशे में नहीं देखते? इसकी वजह ये है कि वो ऐसा करने पर जटिल महसूस करते हैं। जल्द ही मनोज बाजपेयी जैकलिन फर्नांडिस के साथ नेटफ्लिक्स की थ्रिलर फिल्म मैसेज सीरियल किलर में नजर आने वाले हैं। इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स में 1 मई को होने वाला है। तो ये थी मनोज बाजपेयी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनकहे किस्से। ऐसी ही बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। InstaFeed.